एग्जाम्पल वन है इफ़ ए इज इक्वल टू ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है वन टू टेन तक एंड बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं थ्री फाइव सेवन नाइन इसमें सिर्फ फोर एलिमेंट हैं और ए में ए में वन टू टेन तक हैं कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन भी करना है हमने कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन भी करना है तो उन्होंने तो सिर्फ क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन अब हमें खुद से पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं और ओवर यूनियन किसे कहते हैं हम किस तरह लिखेंगे किस तरह प्रूफ करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन मतलब यूनियन में जब हम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को यूनियन में फॉलो करते हैं तो ये इस तरह लिखते हैं ए यूनियन बी इजल टू बी यूनियन है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को इस तरह लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए मतलब यूनियन में जितने भी एलिमेंट आए होते हैं उनको हम तरतीब से एक ब्रैकेट में लिखते हैं इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है तो आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले हम एक साइड ले लेते हैं मतलब ए यूनियन बी जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन वाला एज यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए तो एज यूनियन बी है तो एज यूनियन बी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लेकर हम पहले इसे प्रूव करते हैं एज यूनियन बी मतलब पहले ए वाला सेट लिखेंगे और फिर दरमियान में यूनियन और फिर बी वाला सेट सेट के एलिमेंट क्या हैं यहाँ पे देखें सेट ए के एलिमेंट हैं वन टू टेन तक और यूनियन के बाद बी सेट के थ्री फाइव सेवन नाइन थ्री से नाइन तक थ्री फाइव थ्री से नाइन तक नहीं थ्री फाइव सेवन नाइन अब हमने दोनों यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट जितनी बार भी आए हूँ हमने उनको लिखना होता है लेकिन तरतीब से और अगर दो बार आए हूँ तो उनको एक बार लिखना होता है जिस तरह यहाँ पे थ्री फाइव सेवन नाइन इसमें भी तो हैं ये क्योंकि वन से टेन तक है वन टू टेन तक सारे एलिमेंट हैं तो यहाँ पे ये दो बार आए हैं ये वाले ये वाले एलिमेंट इसमें भी हैं लेकिन हमने एक ही बार लिखना है हम हमने यहाँ पे देखा वन टू टेन तक तो हमने यही लिख दिया वन टू टेन तक वन टू थ्री अप टू सो ऑन टेन इस तरह हम लिख सकते हैं इसे मतलब बजाए इसके कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इतना बड़ा हो जाएगा इस तरह हम उसे अप टू सोन ये डॉट लगा के फिर टेन लिख देते हैं इसका मतलब होता है कि वन टू टेन तक हमने लिख लिया अब ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड क्या थी बी यूनियन ए तो पहले बी वाले सेट के एलिमेंट लिखेंगे थ्री फाइव सेवन नाइन और यूनियन के बाद ए वाले सेट वन टू टेन तक मतलब आप दोनों की यूनियन करनी है मतलब यूनियन में चाहे ये सेट पहले है या बाद में है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने यूनियन में तरतीब से लिखना होता है जितने भी एलिमेंट आए हों लेकिन जो दो बार आए होंगे उनको हम एक ही बार लिखेंगे वन टू थ्री अप टू सो ऑन टेन तक मतलब ये देखें ये इसे मैंने इक्वेशन वन का नाम दिया था और इसे इक्वेशन टू का तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूव कम्यूटेटिव ला तो कम्यूटेटिव ला ओवर यूनियन हमने सोल्व कर लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के जब उन्होंने कहा होता है कि कम्यूटेटिव ला ओवर यूनियन मतलब अगर हमारा जवाब दोनों का सेम आ गया तो हम, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है इन इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं क्योंकि एक ही एक ही सेट दिए हुए हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा अब कम्युटेटिव ला ओवर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इस तरह लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए मतलब उल्टा यू लिखेंगे उल्टा यू इसे कहते हैं इंटरसेक्शन अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी ये ए इंटरसेक्शन बी लिया ये देखें ये एक सेट फिर वही सेट हैं ये यूनियन वाला फिर वही सेट हैं मतलब ए के एलिमेंट वही हैं एंड बी के भी वही हैं जो हमने यूनियन में लिखे थे अब इनका इंटरसेक्शन करना है तो देखते हैं क्या होता है ये ए के A सेट है और ये बी सेट है इंटरसेक्शन के बाद फिर बी सेट लिखा है ना यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो इंटरसेक्शन में होता यह है कि हम जो दोनों में कॉमन हूँ एक जैसे हूँ एलिमेंट तो इसमें बाकी तो नहीं है ना दूसरे बी वाले सेट में बी वाले सेट में जो है थ्री फाइव सेवन एंड नाइन वो इसमें भी हैं तो यही लिखेंगे इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वन का नाम दिया मैंने इसे थ्री फाइव सेवन नाइन दोनों में है तो यहाँ पे मैंने लिखा थ्री फाइव सेवन नाइन ये इक्वेशन वन हो गई अब भी इंटरसेक्शन A ए बी वाला सेट पहले लिखेंगे थ्री फाइव सेवन नाइन और इंटरसेक्शन A ए वन टू टेन तक मतलब लिखा अब दोनों में कॉमन क्या है थ्री फाइव सेवन एंड नाइन दोनों में कॉमन है ना ये थ्री फाइव सेवन नाइन अब ये इक्वेशन टू हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के इसका मतलब है कि हमने जो ये लॉ अप्लाई किया था कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक आ गया है जब तक ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नहीं आएगी राइट हैंड साइड की तो हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया बाय कम्यूटेटिव लाफ ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्वेश्चन सोल्व हो गया थैंक यू